परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने कहा है पार्वती बाई साहब, हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से इस धरती पर जन्म लेता आया हूं। और आज मेरा भी यही धर्म है। आप ऐसा क्यों कह रही है? ये मैंने मालेराव और मुक्ता को कहानियां सुनाने के लिए यहां रखा है। तो अब तुम बच्चों को भी अपनों के साथ युद्ध करने की शिक्षा दे रही हो, जैसे पांडवों ने अपने भाई कौरवों के साथ युद्ध किया था। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कौरवों ने पांडवों के साथ युद्ध नहीं किया था। मछलिया साहब, युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कृपा करके आप महाभारत का असली अर्थ मत बतलिए। और वैसे भी ये ग्रंथ भाइयों को आपस में लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि धर्म से अधर्म का नाश करना सिखाता है, और वो भी बिना किसी दुविधा या संकोच के। अब चाहे वो अधर्मी अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, भाई बेटा या जावई ही क्यों ना हो, भोले भाले और संत प्रवृत्ति के लोगों की अधर्मियों से सुरक्षा करने के लिए धर्म बना है। और अगर इसके लिए अपनों के विरोध में अगर शस्त्र उठाना भी पड़े तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात नहीं है। मजलियाई साहब, मुझे तो गर्व होगा अगर मेरे बच्चे ये सीखेंगे, धर्म का मार्ग चुनकर अधर्म के विरोध में खड़े होंगे। कहना बहुत आसान है अहिल्या, लेकिन जब भाग्य चक्रवत बनकर परीक्षा लेता है ना, तो बड़े बड़ों के पैर उखड़ जाते हैं। और तुम्हें तो महाभारत का बहुत ज्ञान है, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि जब हम अपनों के साथ लड़ते हैं तो हम 500 के खिलाफ होते हैं, और जब हम बाहर वालों के साथ लड़ते हैं तो 105 है। जानती हूं और मैं इस बात को नकारती भी नहीं, लेकिन अगर अपनी ही थाली में छेद हो मजलियाई साहब, तो पानी कभी भी ठहरता नहीं है। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक भेदी पूरी लंका ढहा देता है, और कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति पूरी सेना का हत्यारा होता है। बस उसे हत्यारा कहा नहीं जाता या किसी को पता ही नहीं होता कि हार का कारण वो एक व्यक्ति, वो गुप्तचर था। अहिल्या, मैं तुम्हारे धार्मिक ज्ञान को यहां चुनौती देने नहीं आई हूं। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, मालवा की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। लेकिन एक बार सोचो,
तुम्हारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। चंबल के डाकू है तुम्हारे सामने, ना सुबेदार जी है, ना ही खंडेराव, और जावे से हमारे जावई साहेब अनुभवी है और ताकतवर भी। अगर वो तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो वो तुम्हारी ताकत दुगनी कर देंगे। और वैसे भी अहिल्या, उन्होंने सबसे क्षमा मांग ली है, तो तुम चाहो तो। नहीं नहीं मजली आई साहेब, बिल्कुल नहीं। अब ताकत बढ़ाने की आड़ में मुझसे गुनोजी दाजी की क्षमा मांग रही है, और वो संभव नहीं है। और रही बात ताकत बढ़ाने की, तो गंगोबा काका, तुकोजी भावजी जैसे पराक्रमी योद्धा हमारे साथ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मालवा पर आया ये संकट हम जरूर टाल देंगे। हाँ, मगर उसे संभव करने के लिए मैं आपसे भी एक चीज मांगती हूं, आपका आशीर्वाद। उम्मीद है मजली आई साहेब, आप सच्चे दिल से आपका आशीर्वाद हमें देंगी। विजय भव। कल ज्योति की पूजा है, मैं देवी आई से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी शक्ति बने और तुम्हें जीत दिलाए। अपना ख्याल रखना। आपने जो किया सही किया छोटी रानी। एक बात कहूं आपसे, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे मालवा को आप पर पूरा विश्वास है कि आप उन्हें डकैतों के संकट से मुक्त कराएंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.